इश्क का अर्थ ही होता है या तो तुम्हें बर्बाद कर देगी या तो तुम्हें आबाद कर देगी। हम तो बर्बाद हो चुके हैं। उम्र भर सो न सकेंगे कि मैं तुम्हारे बारे में फूल पॉट्स बना के रखी थी जो मैंने ऑलरेडी फिट कर दिया। हम में तुम में जो था वो खत्म। याद रखना यही करूंगी मैं। तू सब जानदा है मैं छट नहीं सकती। सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। बाकी गाइस, गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है, प्रिंसी को भी आता है, लेकिन इसे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्से में ना जिस फूल से प्रपोज करने के लिए लाई थी वो नीचे दिखाओ कैमरा, एक बार नीचे करो, अब इधर करो, अब इधर करो, अब पैर से ऐसे ऐसे और कर रही है, अब इधर करो, इधर ऊपर करो, ऊपर नहीं, एक एक नहीं दिखाने, पैर से ऐसे ऐसे कर दिए मेरे दिल के टुकड़े करके ना, उसे पैर से चिगा दौड़ दिए। ये प्रिंसी का प्यार नहीं करती। हाँ तो प्यार करती हो तो फिर गुस्सा कंट्रोल रखा करो ना। गुस्से में मेरे दिल के इतने टुकड़े कर दिए कि अब कोई लड़की आके यहाँ से एक भी फूल उठा ले गई तो मेरा दिल उसके पास पहुँच जाएगा। जिसको दिल देना ही होगा वो दे ही देगा, हमारे रहते भी ना रहते भी और हमारी मर्जी के भी साथ हमारी मर्जी नहीं रहेगी। थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो, क्योंकि यहाँ ना हवा बहुत चल रही है तो आवाज आएगी। हम तेज नहीं बोलते, हम ऐसे वैसे तो वैसे तो लड़ने अभी कैसे बोल रही थी, ऐसे ऐसे ही बोल रही थी। पता नहीं ये जिंदगी कहाँ ले जाके छोड़ेगी, कभी मैं गुस्सा कभी प्रिंस जी गुस्सा, मतलब दिन ऐसे ही गुजर जाता है यार लड़ाई झगड़े में पूरा। फिर शाम को मूड खराब रहेगा, बात ना करो तो मूड खराब। एक बात बोलूं, एक कहावत है, हनी सिंह का एक सॉन्ग है, वो मैं जब कभी बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ ना तो सॉन्ग को मैं सुनती हूँ। आप वो सॉन्ग आज प्ले करके सुनना, उसमें स्टार्टिंग में एक लाइन है, ऐ दोस्तों ये इश्क का जो ये दस्तूर है ना, ये साला एक कहावत है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो समझ आएगा, इश्क का जो दस्तूर है ना, ये साला जो इसे जान लेता है ना, ये उसी की जान ले लेता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, चिल करो, मस्ती करो, लेकिन ये इश्क विश्क और मोहब्बत प्यार वाली भाषा मत सीखो। अगर आप सीखोगे ना तो वही होगा, जो जान लिया सो जानते गया। मेरी तरफ करो, अगर ये जिसके माइंड में इश्क जिसे भी हो गया ना इश्क, तो सच बोल रहा हूँ, क्या क्या सच बोल रहा हूँ भाई, इश्क का अर्थ ही होता है या तो तुम्हें बर्बाद कर देगी या तो तुम्हें आबाद कर देगी। हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हम नहीं चाहते कोई और हो, इसलिए हम बोल रहे हैं मत ही करना। बर्बाद हो चुकी है प्रिंसी मेरे प्यार में पड़ के। चलो कुछ अच्छे वर्ड तो बोले मेरे लिए, कितना अच्छा सोचती है ये प्रिंसी, ये अपने मुँह से ना खुद मुझे कभी कभी बता देती है और फिर मैं बोल लेता हूँ तो गुस्सा करती है। लाइफ में हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, मैंने भी लिया प्यार करके लिया, तो लाइक कभी कोई काम करके लिया, हर एक चीज का एक्सपीरियंस मिला और बाद में रिजल्ट उसका जब आया जीरो। इसका मतलब अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे? मैंने तो ये बोला ही नहीं। तो तुम्हारे वर्डिंग तो वहीं पे जाके अटक जाते हैं लास्ट की, इससे अच्छा हम दूर हो जाए वगैरह वगैरह करती, करा ही क्यों था तुम्हें, तुमने कर बोला था। चलो रहने, एक लड़की ना एक लड़के में पता है कपड़े क्या देखती है, तो एक लड़की देखती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका बंदा है ना, वो उसे प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, वो उसे इतना प्यार दे कि मतलब उसे लगे भी कि मतलब यार मैं जिसे प्यार करती हूँ वो सारी दुनिया का एक लौता पीस है क्या। हम उस चीज को भी अज्यूम ना कर पाए कि मतलब यार वो हमारे बोलने से पहले वो कैसे इतना ज्यादा जान लेता है। लेकिन तुम पता है क्या करते हो, जब मैं एक स्टेप आगे तुम्हारे और आती हूँ ना, जब मुझे लगता है मुझे तुम्हारे और क्लोज आना चाहिए, मैं तुम्हारे और क्लोज आती हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता क्या जानने को मिलता है कि नहीं 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 आई एम रॉन्ग। भाई क्यों रॉन्ग हूँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में वो थॉट्स बना के रखी थी जो माइंड ने ऑलरेडी फिट कर दिया। बाद में पता चलता है नहीं 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 तुम गलत थी, कपिल तुम्हारा ऐसा है ही नहीं, कपिल तो भाई प्लस पॉइंट निकलेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? प्लस पॉइंट निकलेगा और एक्चुअल में लास्ट में तुम रिजल्ट मुझे वही दे देते हो, पकड़ा देते हो हाथ में कि तुम भाई तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। खराब लगता है
याद रखना मेरे सामने जब आंखों के सामने वो तुम ऐसा कर रही हो तो गुस्सा किसी को आप जानते हो ना, गलती हमेशा दोनों तरफ चलती है। अगर गलती हमसे होती है ना तो गलती इनसे भी होती है। ये कोई दूध के दूल्हे तो होते नहीं कि भाई इनसे गलती होगी नहीं। अगर मैंने की या मेरे साइड से कुछ भी हुआ तो भाई तुम्हारे साइड से भी होगा, 100% होगा। तो अपने आप को ज्यादा अच्छा मत समझा करो। तो मैंने अपने आप को अच्छा बोला ही नहीं जब मेरे तो धीरे से ये चिपकाया मत करो कि प्रिंस ये प्रिंस वो। दूसरी चीज कि जब प्यार में ये सारी चीजें आने लगते हैं ना तो इस बेस्ट कि भाई हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें वो ज्यादा सही है। ये रोज रोज की किचपिच मुंह फुलाना, मुंह मतलब क्या है यार भाई, तुम्हें अपनी बंदी पे भरोसा ही नहीं है तो तुम क्या खाक प्यार करते हो तुम। तो यार ये तुम, तो बताओ मेरी जगह तुम तो यार, कोई लड़की तो यार, आके क्या मुझे यार? ऐसे उठा के ले जाएगी, तुम क्या करोगी मेरी जान? चीर के रख दूंगी, याद रखना यही करूंगी मैं। एक्चुअल में इंसान यही करता है, तुम क्या करोगे? तुम पता क्या करोगे? तुम अपनी बंदी को आके कोने में गाली दोगे। तुम भाई तुम ऐसे ही, तुम वैसे, तुम प्रिंसी ऐसे ही, तुम वैसे निकल गई। मैंने तुम्हें कौन सी गाली दी? नॉलेज नहीं रहती है ना उसके बारे में मुझे समझाया करो कि प्रिंसी तुमसे गलती हुई है बाबू, ना कि उसमें तुम आग बबला हो जाओ तुम और उल्टा चिल्लाने लगो भाई तुमसे ये गलती हुई है। तुम ये भी बोल सकते थे ना, क्योंकि मैं वो समझ नहीं पाई। अब जिस चीजों को लेकर के मेरे माइंड में वो थॉट्स नहीं आते, मैं नहीं समझ पाते, उसको लेकर तुम समझाओगे भाई गलत बोल रही हूँ भैया। इन्होंने मुझे समझाया नहीं यार भाई, हमारी देखो हर एक चीज का जो सोल्यूशन है ना वो जो है फेस टू फेस एक जो बात करके एक उसका सारा समाधान निकाला जाता है। ये झगड़ा कोई सोल्यूशन तो नहीं है। समझ रहे हैं ये बताइए, जैसे हम लड़कियों की एक लैंग्वेज होती है, हम इशारे इशारों में बात कर लेते हैं, ठीक है सर। लड़कों की भी होती भाई, लड़कों की कोडिंग डिकोडिंग हमने नहीं पढ़ी है, तुम पढ़े हो, तुम बता पाओगे कि वो लड़का उस टाइम क्या बोल रहे क्या? हाँ वो फ्रेंड है, लेकिन अगर कुछ चीजें ओवर होती है तो भाई तुम खुद बोलोगे, उसके लिए तुम चिल्लाओगे। ऑन द स्पॉट बोल सकते हो आप, ये ऑन द स्पॉट बोल सकते हो। ऑन द स्पॉट चुपचाप बैठा जाता है, ये वेट किया जाता है रे यार कि भाई सामने आओ, तुम मुझे बोलने का मौका भी देती हो थोड़ा सा भी? चुप, अगर कुछ बोलता हूँ तो थप्पड़ मार देती है, कभी क्या कर लेती है अपनी आंख देखोगी तुम अभी मारो मारो हाथ उठाने के लिए तो उठाया मारने तुम मेरे को तो पसंद ही नहीं करते, तो तुम मेरे प्यार का ये नाटक क्यों चला रहे हो? बंद कर दो, खत्म कर दो ये। मैं प्यार का नाटक कर रहा हूँ तो तुम ये क्यों चिल्ला रहे हो कि मैंने तुम पे हाथ उठाती हूँ? मैं हाथ उठाती हूँ या मैं कभी लाइक एक होता है ना, मैं गलत होता हूँ कितना भी सही कर लूँ ना हमेशा मैं गलत रहूंगा, किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ हमेशा ही गलत रहूंगा। और इसी वजह से मैं आज पीछे हूँ। हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप अपनी बंदी को इतना क्यों समझ के रखते हो। मेरा ये सोचना गलत है कि मैं इस इंसान के साथ इतना अच्छा कर रहा हूँ, शायद ये दोस्त समझ के कुछ भी, लेकिन तुम्हें लग जाए ना कि तुम्हारी कहीं गलती थी तो तुम हमसे आगे बात कर, ठीक है? तुम्हें एक सेकंड भी लगे ना कि हाँ तुमने कुछ गलत किया है या उस टाइम तुमसे गलती हुई, मुझे नहीं समझ आया होगा वो सब चीजें जो भी लेके हुआ। मैं ना हमेशा तुम्हें समझाता हूँ, तुम ना अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे कुछ भी हो रहा हो ना मुझे अकेला छोड़ के चली। मैं अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम बात समझो, नहीं समझते बात। मैं समझाता हूँ जबकि तुम मुझे अकेला हमेशा छोड़ के। क्या अकेला छोड़ के चली गई? कहाँ चली गई मैं? कहाँ गई भैया मैं बताइए इनको, कहाँ चली गई मैं? कहाँ गई हूँ बताओ? जबरदस्ती के ड्रामे में दिखाया करो, मैं डाइजेस्ट नहीं करती, सॉरी। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो? तुम समझो तो एटलीस्ट क्या प्रॉब्लम है, क्या बताना चाह रही हूँ। अभी साला तुमसे नहीं बोलूंगी तो जाके पड़ोसी से बोलूंगी। समझाओ ना क्या बोलना चाह रही हो तुम मुझे। बताई ना कि मैं वो कोडिंग नहीं की हूँ, लड़कों के मामले में मुझे नॉलेज नहीं है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ नॉलेज देन यू कैन शेयर विद मी। पड़ोसी से जाके नहीं पूछेंगे भैया हो ये दिक्कत हो गई हमको बताओ हम इसका क्या करें। तुम आके मेरे से खुद बोलोगे, हम नहीं जा रहे वहाँ पे बोलने, ठीक? अगर ये चीज पता है तो अपने तक के रखो, मुझसे प्यार से बात कर पा रहे हो तो करो, नहीं तो मत करो। हाँ छोड़ती हूँ मत करो, मैं नहीं कर पाती, मेरे से नहीं होता डाइजेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तुम मुझे मार लो चलेगा, लेकिन अगर गलती करो तो ये, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि मेरी बंदी नहीं समझ पा रही है और या भाई उस सिचुएशन में वो थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है उसके साथ, तो तुम उस टाइम रोको बोलो
डांटो भाई उस वक्त तुम कुछ भी एक्शन लो हम नहीं बोलते, लेकिन सम टाइम्स के बाद तुम एंटी रिएक्शन देते हो ना वो माइंड को स्टक करने लगता है। ऐसे नहीं बोलता मैं, प्यार से बोलता हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं होती कभी। तुम्हारा प्यार ही तो दिख रहा है, तुम हमेशा हाइपर हो जाती हो। बाबू हम हाइपर नहीं है, हम तुमको समझाते हैं द वे ऑफ टॉकिंग वॉज एकदम नॉर्मल। मैं सच बोल रहा हूँ, हमेशा हाइपर होना अच्छी बात नहीं है। अरे यार हम हाइपर नहीं है भाई, हमको प्रॉब्लम है, हमको दिक्कत होती है, हमको कोई चिल्लाता है तो हम अपने पापा जी का नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इतना ही इजाजत दिए हैं कि जब हम गलती करें तो हमको मार कूट के फेंक दो, लेकिन बिना गलती के हमको एक अच्छा ना बोलो, हम नहीं सुन पाते हैं, तो सॉरी उसके लिए। शायद मेरा चुप, शायद मेरा चुप रहना ही ना किसी को। ठीक है गाइस, ब्लॉग बंद कर दो भाई, बंद कर दो ब्लॉग।